मन में यूं तो हजारों ख्याल हैं, कुछ इच्छाएं हैं, कुछ चिंताएं हैं, कुछ ख्वाब हैं, कुछ डर भी हैं। कभी खुशी है, कभी गम भी है। पर क्या कभी ये ख्याल आया कि जिंदगी इनसे हटकर भी कुछ है? क्या कभी ये ख्याल आया कि क्या मैं सिर्फ यही भाव हूँ या मेरे होने के कुछ और मायने हैं? सूरज और चांद किसके हुक्म से चमकते हैं? दिन और रात किसकी मर्जी से बदलते हैं? कुदरत का इतना खूबसूरत रूप किसने सजाया है? करोड़ों जीवों को किसने बनाया है? पल पल कौन उन सब की संभाल करता है? वो तो बेफिक्र होते हैं, फिर उनकी फिक्र कौन करता है? आज ऐसे ही कुछ सवालों पर चर्चा करने के लिए वॉइस डिवाइन के इस प्लेटफॉर्म से आपके साथ जुड़े हैं मैं कमलदीप और मैं अंकिता। नमस्कार धन निरंकार। अंकिता जी, जी कभी सोचा है एक ही बात के कितने अलग अलग मायने हो सकते हैं? एक दिन यूं ही दोस्तों से बातचीत करते हुए ये बात उठी कि 4 दिन की जिंदगी है, ज़्यादा मत सोचा करो, लाइफ को एंजॉय करो और जो मन में आता है वो करो। जी बात का इशारा अपनी ख्वाहिशों की पूर्ति की तरफ था, पर उसी वक्त ये भी ख्याल आया कि इसी एक लाइन का दूसरा भाव भी तो हो सकता है कि बस 4 दिन की जिंदगी है तो इस छोटी सी जिंदगी को बिताना कैसे है? What is the purpose of this life? और उसके बाद क्या? बात तो सही है, देखा जाए तो शब्द वही हैं, पर मायने बिल्कुल अलग। एक में उस सुख की बात जो वास्तव में टेम्प्ररी है, क्योंकि एक ख्वाहिश पूरी करेंगे तो एक और तैयार हो जाएगी और ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। सही कहा आपने अंकिता जी। लेकिन दूसरी तरफ है सदा रहने वाला आनंद, वो स्टेट ऑफ ब्लिस, जिसका सोर्स है ये निराकार परमात्मा। अंकिता जी, जी जीवन की जब बात करते हैं तो सहज ही याद आता है एक फ्रेंच फिलोसोफर का वो कोट जिसका जिक्र बाबा जी ने अक्सर अपने विचारों में किया, वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स हैविंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, रादर वी आर स्पिरिचुअल बींग्स हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। वाह कितना खूबसूरत ये कोट। पर एक बात और जहन में आई, इफ वी आर स्पिरिचुअल बींग्स देन वाई डोंट वी रियलाइज इट? हमारा ध्यान कभी इस तरफ सहजता से नहीं जा पाता, बल्कि दिलाना पड़ता है, और ऐसा आज से नहीं सदियों से होता आ रहा है। जितने भी संत महात्मा इस दुनिया में आए, उन्होंने हमेशा हमारा ध्यान इस तरफ दिलाया, और सिर्फ बातों से ही नहीं बल्कि अपने कर्मों से जीकर समझाया। आज भी सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें हमारे वास्तविक मूल की पहचान करवाकर इस जिंदगी को खूबसूरती से जीने की कला सिखा रहे हैं। आइए सुनते हैं सतगुरु संदेश। अपने कार्य पे जाते हैं तो कहीं जॉब है, कोई बिजनेस है, कुछ भी है, वो भी करना है, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि भक्ति ग्रस्त में ही हो सकती है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को तज के भक्ति नहीं की जा सकती है, तो वहाँ वो कार्यों को भी जहाँ करना है, पर इस माया की दुनिया में इस तरह उलझ नहीं जाना कि इसी को ही सब कुछ मान लेना है, क्योंकि ये आत्मा ने तो कभी मरना नहीं है, इसका मोक्ष होना ये ब्रह्मज्ञान द्वारा ही पॉसिबल होता है, और शरीर की ये यात्रा कम है, और कैसे इस यात्रा करते करते ये बात हमेशा याद रखनी है कि हमारा असली एक जो सेल्फ की बात है कि हम क्या हैं, एक असली हमारा रूप क्या है, वो हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। तो कैसे एक इंसान हम हैं, हम एक जीवन में मनुष्य तो बने हैं, एक शरीर हमारा मनुष्य का ज़रूर है, पर हम असली में तो एक स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं जो एक ह्यूमन एक्सपीरियंस ले रहे हैं।
तो वो बात हमें जब तक ये मूल याद रहे कि कोई भी कार्य कर रहे हैं ये माया दुनिया की ऐसी है जो हमेशा प्रभावित करेगी, कार्य सारे करने हैं, अपनी जॉब्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करनी हैं, पर उसमें इस तरह उलझ नहीं जाना कि अपने मन से इस परमात्मा को ही विसार दें, नहीं, क्योंकि यही है असली दौलत, ये परमात्मा, ये निराकार। जानू मां दी मुक गई सजा, सिरज के हनेरा अकलां दे विच सी तकबर बथेरा, कर साडे लाया सी दरदान डेरा, मिले आते होया रोशन सवेरा, तेरे दर तो मिल गई अजब असी तिड़े हुए सी एवें बेवजा। कमल जी, अगर स्पिरिचुअलिटी हमारी वास्तविक पहचान है तो हम इसे जीवन का छोटा सा हिस्सा मानने के बजाय जिंदगी का आधार क्यों नहीं बना लेते? अंकिता जी, शायद बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि स्पिरिचुअल होना इस दुनिया को छोड़ देने का नाम है, जबकि सच तो ये है स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म कभी भी हमें अपनी पारिवारिक या सामाजिक जिम्मेदारियों को त्यागने को नहीं कहती। परमात्मा को ही जीवन का केंद्र मानकर इसका एहसास करते हुए अपने हर कर्म को करना ही तो स्पिरिचुअलिटी है। कितना खूबसूरत नजरिया है ना? सो इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ बैलेंस एंड प्रायोरिटाइजिंग, राइट? राइट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीइंग सेल्फ रियलाइजेशन, नॉलेज ऑफ आवर एग्जिस्टेंस एंड इट्स पर्पस। इट्स अबाउट फॉर्मिंग एन इटर्नल बॉन्ड विद द ऑलमाइटी। तो इस विषय पर हम यूं ही चर्चा करते रहेंगे। आइए अभी सुनते हैं संपूर्ण अवतार वाणी का ये पावन शब्द। सच जा
गीता जी, इट इज़ सेड दैट गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज. जी, तो ये हमारा वास्तविक स्वरूप है जिसका हम एहसास ही नहीं करते. जैसे हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, पर हमने कभी उसका एहसास नहीं किया. वी हैव ऑलवेज टेकन इट फॉर ग्रांटेड. जी, अभी कुछ समय पहले जब ऑक्सीजन की कमी हुई तब इसकी अहमियत समझ में आई. जब जीवन सहज रूप से चल रहा होता है ना, तो इसके मायने की तरफ, जीवन की अहमियत की तरफ ध्यान ही नहीं जाता. जी. एहसास ही नहीं होता कि ये ज़िंदगी कितनी कीमती है. पर जैसे ही कोई दुख की घड़ी आती है या फिर जिन्हें सहारा माना होता है वो साथ छोड़ देते हैं, तब अक्सर ये मन परमात्मा की तरफ मुड़ जाता है. बिल्कुल, प्रार्थना का सहारा लेता है. लेकिन अगर हमेशा ही पहल परमात्मा को दी जाए, अपने जीवन की डोर को उनके हाथों में सौंप कर अपना कर्म किया जाए, तो ये जिंदगी का सफर कितना आसान हो सकता है ना. सो ट्रू. फिर प्रार्थना कोई विशेष सिलसिला ना होकर जीवन का हिस्सा बन जाती है. जैसे कहीं पर पढ़ा भी, दैट स्पिरिचुअलिटी इज मेंट टू बी ब्रेड फॉर डेली नरिशमेंट, नॉट द केक दैट इज मेंट फॉर स्पेशल ओकेजंस. व्हाट अ वंडरफुल थॉट. अंकिता जी, स्पिरिचुअलिटी की बात तो हमने की, पर अब सवाल ये आता है कि इसे अपने जीवन में उतारा कैसे जाए. जी, और इसी सवाल, इसी विषय पर और रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रेवरेंड राकेश मुटरेजा जी, जो मिशन में बहुत सी सेवाएं निभा रहे हैं और साथ ही सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पर्सनल सेक्रेटरी भी हैं. आदरणीय राकेश जी, आपका वॉइस डिवाइन में बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू कमलदीप जी, थैंक यू अंकिता जी. वॉइस डिवाइन के सभी श्रोताओं के चरणों में सादर नमन, धन निरंकार. स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म यानी आत्मा का अध्ययन, मेरा अपना अध्ययन, टू नो माई सेल्फ इन ट्रू सेंस. पर कितनी विचित्र सी बात है ना, कि हम अध्यात्म की अनेक बातें करते हैं, अनेक बातें सुनते हैं, पर सब दूसरों के साथ. और वास्तविकता ये है, अगर मेरे जीवन में परिवर्तन आएगा तो वो बाहर से नहीं, अंदर से आएगा, आंतरिक संवाद से, माय कम्युनिकेशन विद माय सेल्फ. अब आप पूछेंगे कि ये कैसे किया जाए. तो मित्रों, जब हम अकेले होते हैं ना, और उस समय जो विचार, जो मंथन, जो गुफ्तगू हम अपने आप के साथ करते हैं, वही है माय कम्युनिकेशन विद माय सेल्फ. बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहा करते थे, जो हम अकेले में सोचते हैं वही हमारा असल चेहरा होता है. सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने भी तो यही कहा, इट्स अबाउट द जर्नी इन वर्ड्स. तो दोस्तों, आज खुद से बातें होंगी, बगैर किसी दोहे, श्लोक, शायरी या कहावत के, क्योंकि दिल की बात के लिए भाव ज़रूरी हैं, भाषा नहीं. आइए कोशिश करते हैं. अगर आप इजाज़त दें तो मैं राकेश से कुछ बातें कर लूं. क्या कहा, इजाज़त है? ओके, थैंक यू सो मच. तो चलिए, मैं राकेश आत्मा रूप में राकेश के मन से बातें करता हूं, आज अभी यहीं आपके सामने. देखें तो ये मिस्टर राकेश मुटरेजा कितने पानी में हैं. तो राकेश जी, कैसे है सब कुछ? ऑल गुड, ऑल ग्रेस, खुशियाँ. ओके, गुड, ग्रेट. अच्छा, उस दिन एक ज्ञान चर्चा में आप ये कह रहे थे कि हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए. तो देख लीजिए, पिछले दिनों किसी का दिल तो नहीं दुखाया आपने? दिल किसी का नहीं, नहीं, हाँ, एक दो, शायद ज़्यादा लोगों का, हाँ भाई, दिल तो दुखाया है. यानी कतनी और करनी में फ़र्क? हाँ, काइंड ऑफ. तो जिनका दिल दुखाया है उनसे माफ़ी मांग लो. दो से तो मांग ली है, पर एक ऐसा व्यक्ति है जिससे दिल ही नहीं करता बात करने का. अरे कोशिश तो करो. ठीक है, आई ट्राई माई बेस्ट. और अगर वो भी ना हो तो कम से कम निरंकार से ही माफ़ी मांग लो. यही सिखाया था ना शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी ने, तो ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनु बख्श लो. तो दोस्तों, ये था राकेश का राकेश से संवाद.
एक छोटा सा सैंपल। ऐसी ही बातचीत खुद से जब हम करते हैं, सदगुरु के द्वारा दिए ज्ञान और संतों के विचारों को आधार बनाकर, तो यकीन जानिए बहुत बढ़िया धुलाई सफाई हो जाती है मन की। समझ में आ जाता है कि जिन पहलुओं को, जिन चीज़ों को मैं इतनी तवज्जो, इतनी इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ, वो दरअसल इस विशाल ब्रह्मांड के सागर में मुझ बूंद जैसे जीव के जीवन में कोई मायने नहीं रखती। पर हाँ, मुझ बूंद में भी एक सागर मौजूद है जिसे मैं जाने अनजाने आदतन भूल जाता हूँ। बस इस गुफ्तगू से वो याद आ जाता है, मेरी जॉब, बिजनेस, फैमिली, फाइनेंसेस, बच्चे, उनकी एजुकेशन, प्रॉपर्टी, कार इंश्योरेंस, इन सब के फाइनल आउटकम पर मेरा नियंत्रण है ही नहीं। मैं केवल कर्म कर सकता हूँ जिसका ईश्वर ने मुझे अधिकार दिया है और सदगुरु ने जीवन में आकर ज्ञान और विवेक की कृपा भी की। बस इसी निरंकार को समर्पित करते हुए कर्म करते जाना है। द मोमेंट आई इंक्रीज द डोमेन ऑफ माई परसेप्शन, what seemed huge to me now becomes insignificant. दोस्तों, एक और बात मुझे ऐसा लगता है कि खुद से की जाए तो काफी सुकून मिलता है, and that is the process of going back to our roots. अकेले बैठकर ये सोचना कि मेरी जड़ क्या है, मैं असल में हूं कौन, मेरी हैसियत क्या है, मेरी औकात क्या है, मैं खुद को डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, ऊंची जाति वाला, बड़े ओहदे वाला, बड़े मकान या गाड़ी वाला मानकर ये जो उड़ रहा हूं ना, ईश्वर को एक पल भी नहीं लगना मुझे जमीन पर लाते हुए। और प्रैक्टिकली कोरोना की इस महामारी ने हमें ये सिखा भी दिया, बस औकात याद रहे तो सुकून रहता है। सब कुछ करते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी डिटैच्ड रहना, अनासक्त रहना, आत्मा की पवित्रता और मन की विनम्रता को बरकरार रखना, यही तो भक्ति है, यही तो स्पिरिचुअलिटी है, यही तो आध्यात्म है। हर बार हनेर मिटाया, पटके हुए मानव नू इन सच दारा विखाया, सच्चे ज्ञान दे चानन ने। True master graces with brightness, faith, love and kindness. The soul gets enlightened, the master graces oneness. Bless us with bliss and humanness. Sachche gyan de chanan ne. कमल जी, आजकल आपने देखा होगा ना कि सब लोग फिटनेस को लेकर कितने कॉन्शियस हैं। जहाँ भी देखें डाइट्स की, एक्सरसाइज की बात हो रही है, सोशल मीडिया पे तो ये सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है। जी, फिटनेस इज द इन थिंग। या लेकिन क्या हम सिर्फ फिटनेस की बात करके या टिप्स को सुनकर और पढ़कर फिट हो सकते हैं? जब तक उन टिप्स को हम अपनाएंगे नहीं, फॉलो नहीं करेंगे, तब तक तो कोई चेंज आने वाला नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी की बातें सुनते और पढ़ते तो सभी हैं, और अक्सर अच्छी भी लगती हैं, मन को सुकून देती हैं, क्योंकि सच है। पर जब तक उसे अनुभव ना किया जाए, तब तक इसका वास्तविक आनंद आ ही नहीं सकता। जब मानेंगे तभी तो इसकी अहमियत जानेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जब माना तब जाना, जिसमें हम सुनेंगे
बर्मिंगहम यूके से विक्रम पाली जी के अनुभव। धनरंकार जी, we have heard many examples and teachings on spiritual well-being. When thinking about this, I am reminded of an experience from 2019. दास को NYS UK and Europe के दौरान Games Day की सेवा निभाने का मौका मिला. When reflecting on those days, there was so much to learn from all the saints who were tirelessly serving day and night. उन्हीं दिनों का एक उदाहरण दास के जहन में आ रहा है. गेम्स डे से कुछ दिन पहले ही सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की तैयारियां हो गई थी, पर उनमें से एक इवेंट वॉलीबॉल था जिसके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ मुश्किलें आ रही थी. There were major issues in procuring equipment for volleyball, as the facility did not have any nets of their own. In addition to this, as per the games map, volleyball was to be held indoors, and we had discovered that as per UK law, unless the volleyball nets were not permanently fixed into the ground, the event could not be conducted indoors. And hence, we had to rearrange the map and bring volleyball onto the field outside. Das ne anek local volleyball clubs, referee associations, or National Volleyball Association ko bhi phone kiya, par kahin se bhi equipment ka bandobast nahi ho pa raha tha. Is dauran, मन में ये भी ख्याल आ रहा था कि वॉलीबॉल एक ऐसा इवेंट है जिसके लिए काफी महापुरुषों ने रजिस्टर किया है, और अगर इसको कैंसिल करते हैं तो बहुत सारे संत शायद गेम्स में भाग भी ना ले पाए. हाउएवर, एट सम पॉइंट इन दिस जर्नी आई हैड फॉरगॉटन दैट इट वाज नॉट मी दैट वाज डूइंग एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग, बट इट इज सतगुरु निरंकार हु इज द डूअर. द इफेक्ट ऑफ माय ईगो वाज सटल, सूक्ष्म था, but it held a grip all the same. And this is when the biggest lesson came for me. Jis pal Das ne apne karta bhav ko apne man se nikala aur simran karte karte sache paatshah ke charnon mein ardas ki ki abhi tak bhi aapne hi kiya hai sab kuch aur aage bhi aapne hi karna hai, usi kshan Das ko ek sajjan ka phone call aaya aur wo call UK Volleyball Federation ke leader ka tha. उनको मिशन और NYS का ज्ञात था और उन्हें बताया गया था कि हमें इक्विपमेंट की आवश्यकता है. उन्होंने सिर्फ हमें इक्विपमेंट ही नहीं दिए, बल्कि सारे इक्विपमेंट वेन्यू पर पहुंचाकर नेट्स को सेटअप किया और कोर्ट के मार्किंग्स भी बनाए. उन्होंने कोई हायर चार्जेस की मांग नहीं की, और उनका सिर्फ एक ही ध्यान था कि सभी इसका पूरा आनंद ले सकें. NYS के कुछ दिन बाद हम उनको इक्विपमेंट लौटाने गए, और जब हमने शुक्रिया अदा किया, उन्होंने जवाब क्या दिया कि ये तो केवल मेरा फर्ज था. इट वॉज सिंपली माई ड्यूटी. अनदर रिमाइंडर टू दास फ्रॉम सतगुरु दैट द वन हू सर्व्स मस्ट ऑलवेज रिमेन इन सरेंडरेंस, इन समर्पण एंड ह्यूमिलिटी. सरेंडरेंस ट्रूली इज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ आवर स्पिरिचुअल वेलबींग. जब जाना तब माना कि गुरसिख दा बस इना करतव आपा अर्पण कर देवे, कहे अवतार गुरु दा काम है खाली चोली पर देवे. धन रंकार जी. वाकई ही जब हम इस परमपिता परमात्मा के एहसास में होते हैं और इसे ही समर्पित होकर कार्य करते हैं और कर्ता मान लेते हैं, फिर जीवन सहज हो जाता है. फिर चाहे वो संसारिक जिम्मेदारियां हो या सेवा, सभी का निर्वाह सहज रूप में होने लगता है. वरना तो जब खुद को कर्ता मान रहे होते हैं तब इस मन में चिंता के भाव स्वाभाविक रहते हैं, क्योंकि लगता है कि जीवन का सारा बोझ हमने ही उठा रखा है. जी बिल्कुल. कुछ ऐसे जैसे नाव में सफर करने वाला एक आदमी अपना सामान सर पर इसलिए उठाकर बैठा हो कि कहीं उस सामान के बोझ से नाव डूब ही ना जाए. जी. जबकि सच तो ये है कि नाव ने तो पहले ही उसका और उसके सामान का बोझ उठा रखा है. उसे तो केवल बैठना है और सफर का आनंद लेना है. और वो गीत की पंक्तियां भी तो सुनते हैं ना, कि जीवन दारत एने चलाना असा ता केवल बैठना है.
बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम अपने मन को चिंताओं से हटाकर इसके चिंतन में लगाएंगे तो एहसास होगा कि जिस परमात्मा ने सब कुछ बनाया है वो आप ही सबकी संभाल भी करता है। ऐसे ही कुछ भाव सुनते हैं अपने अगले सेगमेंट में, जिसका नाम है रंगमंच से। अरे वाह, लाओ लाओ भैया, दिल्ली की बारिश और गर्मा गर्म समोसे। लो भावेश भाई। अरे गौरव भाई, एक कड़क चाय भी बोल दो जरा। हाँ हाँ जरूर भैया, एक चाय भी कड़क वाली। क्या हुआ जनाब, सब ठीक है ना? हाँ बस थोड़ा सा सर दर्द है। सर दर्द है या कुछ और बात भी है? क्या बताऊं भाई, अब आपको आपको सब कुछ तो पता है, लॉकडाउन में सब बदल गया। अब किसी तरह थोड़े में ही गुजारा हो रहा है, ऊपर से घर का लोन सो अलग, इतनी अच्छी जॉब थी वो भी चली गई। पर दूसरी जॉब भी तो मिल गई ना भाई, उसमें इतनी इनकम कहाँ है? पहले कहाँ इतनी अच्छी जॉब हुआ करती थी, और अब एक नॉर्मल सी सैलरी पे पूरा घर चलाना पड़ रहा है। कुछ समझ ही नहीं आता आखिर आगे क्या करूं, कैसे शुरू करूं फिर से सब। समस्या तो बड़ी है। लो चाय लो पहले। अच्छा आज मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी व्हाट्सएप पे, सुनाऊं? अरे भाई मैं यहाँ परेशान हूँ, आपको व्हाट्सएप याद आ रहा है? अरे सुनो तो, एक लड़के की कहानी है, और उसकी मंजिल थी दूर पहाड़ी पे। अब सुबह से चलते चलते रात हो गई, घना अंधेरा छा गया, इतना अंधेरा कि रास्ता भी ठीक से ना दिखाई दे। अच्छा फिर? उसके पास एक लालटेन थी, पर वो परेशान था कि सफर अभी बहुत बाकी है। और तभी देखता है एक बुजुर्ग हाथों में छोटा सा दिया लिए उसी रास्ते पे आगे बढ़ रहे थे। ये देख वो लड़का उनसे पूछ लेता है कि आप इस छोटे से दिए के सहारे आगे कैसे बढ़ रहे हैं, इतना घना अंधेरा और इस दिए से क्या ही दिखता होगा आपको। तो फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि माना अंधेरा बहुत है, पर कम से कम इस दिए से मुझे एक कदम जितना तो दिख रहा है ना। जैसे जैसे एक कदम बढ़ता हूँ, ये उजाला एक कदम और आगे बढ़ जाता है। जितना जितना बढ़ता रहूँगा मंजिल के करीब आ जाऊँगा। और तुम्हारे पास तो लालटेन है, मेरे दिए से तो बेहतर है। वाह क्या कमाल की स्टोरी सुनाई है, मतलब एटलीस्ट जितना दिख रहा है उतना तो चलना चाहिए ना। एग्जैक्टली भावेश, तुमने कभी फोग में गाड़ी चलाई है? अरे हाँ भाई, कैसे सामने वाली गाड़ी की लाइट्स को देखकर धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है। बिल्कुल ठीक, ठीक इसी तरह लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, हमेशा एक उम्मीद की किरण होगी, बस उसे पकड़ लो और एक एक स्टेप आगे बढ़ते रहो। वो कहते हैं ना, अंधेरों से डरकर अगर बैठ गए तो उजालों का मजा नहीं ले पाओगे, इसलिए चलते रहो। रात आई है तो क्या, सवेरा भी तो आएगा। भाई वाह, कमाल की है ये चाय और आपकी बात, पाजी तुसी दा दिल खुश कर देता। भाओ समोसे भी राह देख रहे हैं जनाब। अरे हाँ वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है। सो कमल जी, जी स्पिरिचुअलिटी इज ऑल्सो अबाउट लिविंग इन द प्रेजेंट। बिल्कुल है ना, इट इज अबाउट टेकिंग वन स्टेप एट अ टाइम, सीजिंग द मोमेंट। और देखा जाए तो स्पिरिचुअलिटी जीवन जीने की कला ही तो है, इट इज एन आर्ट ऑफ लिविंग। बिल्कुल सही कहा। इनफैक्ट जब बिना कोई मतलब के किसी की मदद करने का मन करता है, किसी की आंखों में आंसू देखकर अपना दिल भर आता है, कुदरत की खूबसूरती को देखकर इसके रचनहार के प्रति प्यार आता है, और जो जिंदगी में मिला उसके लिए शुक्राने का भाव रहता है जी, तो ये भी तो स्पिरिचुअलिटी ही है ना। बिल्कुल। तो चलिए ऐसे ही कुछ भाव सुनते हैं अपने अगले सेगमेंट पर्ल्स ऑफ विजडम में। हर एक बशर को सर झुकाया है हमने, मुर्शिद ने बताया है बंदों में खुदा रहता है। एक कहानी पढ़ रही थी लियो टॉलस्टॉय की, इसे कहानी नहीं जिंदगी की हकीकत कहनी चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी के बेहद करीब है। कहानी में मार्टिन मुख्य किरदार है, वो जूते बनाने का काम करता है। कुछ साल पहले मार्टिन की पत्नी दुनिया छोड़ गई, और फिर इकलौता बेटा भी नहीं रहा।
मार्टिन बहुत दुखी हुआ और वो निराशा से भर गया। भगवान से शिकायत करता हुआ मार्टिन अपनी मौत की दुआ मांग रहा था। एक दिन मार्टिन का एक पुराना मित्र, जो परमात्मा में विश्वास करता है, उससे मिलने आया। मार्टिन ने अपने दोस्त से अपनी दुख भरी दास्तां बयान की और कहा, अब मैं जीना नहीं चाहता, क्योंकि अब मेरे जीने के लिए कुछ भी नहीं बचा। दोस्त ने समझाया, मार्टिन, हमें जिंदगी और मौत के लिए फैसला करने का अधिकार नहीं है। तुम्हें ईश्वर के लिए जीना चाहिए, वो ही हमें जीवन देता है, और जब हम उसके लिए जीते हैं ना, तो जिंदगी आनंद से भर जाती है। मार्टिन ने पूछा, लेकिन मुझे भगवान के लिए कैसे जीना चाहिए? तो उस दोस्त ने कहा, तुम्हें धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और जैसे उसमें महात्माओं ने बताया है ना, वैसे ही जीना चाहिए। मार्टिन उसी दिन होली बाइबल ले आया और पढ़ना शुरू कर दिया। ना केवल वो उसे पढ़ता, बल्कि उसमें लिखी बातों पर भी अमल करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो जीसस की कही बातों को अपने जीवन में उतारने लगा, उन पर अमल करने लगा, मार्टिन का जीवन बदलता गया। उसने पढ़ा, जीसस ने कहा है, जब कोई तुम्हारे एक गाल पे चांटा मारे तो दूसरा भी आगे कर दो, जब कोई तुम्हारा चोंगा छीन ले तो उसे अपना अंगरखा भी दे दो। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ व्यवहार करें, तुम लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करो। उसने ये भी पढ़ा कि प्रभु कहते हैं, तुम मुझे भगवान कहते हो, जबकि तुम मेरी कही गई बातों पर अमल नहीं करते। जो मेरी बातें सुनकर उस पर अमल नहीं करता, उसने बिना नींव के घर बनाया है जो कभी भी गिर सकता है। मार्टिन इन शब्दों को न केवल पढ़ रहा था, बल्कि उन्हें अपने जीवन में भी उतारता जा रहा था। अक्सर वो अकेले बैठकर सोचता कि इनमें से कौन कौन सी बातें मेरे जीवन में उतरी हैं, क्या मैं अपने भगवान की आज्ञा अनुसार जी रहा हूं या नहीं। सच कहूं तो हम प्रभु की रहमतों के लायक भी तभी होते हैं जब प्रभु के बताए अनुसार जीवन जीते हैं। मार्टिन का उद्देश्य सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारना भी था। एक रात जब वो होली बुक पढ़ रहा था, तो उसने पढ़ा, एक जगह लिखा था कि प्रभु एक ऐसे व्यक्ति के घर गए जिसे सब तिरस्कृत करते थे। उस व्यक्ति ने प्रभु की खूब सेवा की, जिससे प्रभु उससे बहुत प्रसन्न हुए। ये पढ़कर मार्टिन सोचने लगा, क्या प्रभु कभी मेरे घर भी आएंगे? और अगर आएंगे तो मैं किस तरह से उनकी सेवा करूंगा? मार्टिन गहरी सोच में डूबा था। उसे नहीं मालूम कि वो सो रहा है या जाग रहा है। तभी अचानक उसे एक बेहद प्यारी आवाज सुनाई दी, मार्टिन, मैं कल आऊंगा। मार्टिन ने मुड़कर देखा तो पाया वहां कोई नहीं था, शायद कोई स्वप्न रहा होगा। ये सोचकर मार्टिन सो गया। अगली सुबह जब वो उठा तो उसे रात की सारी बातें याद आईं। उसने सोचा, प्रभु ने कहा है तो वो जरूर आएंगे। मार्टिन प्रभु का इंतजार करने लगा। वो अपना काम तो कर रहा था, लेकिन उसकी निगाहें लगातार खिड़की से बाहर देख रही थी। उसने देखा, कल रात बर्फ बहुत गिरी है, रास्ता बंद हो गया है। फिर देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति बर्फ को हटा रहा है। वो बहुत कमजोर और थका हुआ लग रहा है, उसे ठंड भी लग रही है। मार्टिन ने सोचा, उसे चाय देनी चाहिए। एक बात कहूं, जब परमात्मा से प्रेम होता है ना, तो इंसान का हृदय कोमल और संवेदनशील हो जाता है, जिसमें सभी के लिए प्रेम जागृत होता है। सभी का दर्द उसे अपना ही दर्द लगने लगता है। तो मार्टिन के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसे उस बुजुर्ग का दर्द महसूस हुआ और उसने उसे घर के अंदर बुलाया, बहुत प्यार से चाय बनाकर पिलाई, और जब लगा कि उन्हें और जरूरत है तो अपने हिस्से की भी उन्हें दे दी। बुजुर्ग ने कहा, प्रभु को पता है
कि मुझे इसकी बहुत जरूरत थी। उसने मार्टिन को बहुत सारा धन्यवाद दिया और चला गया। मार्टिन अपना काम करता हुआ लगातार खिड़की के बाहर देखता जा रहा था, क्योंकि उसे प्रभु की प्रतीक्षा थी। थोड़ी देर में मार्टिन ने दीनहीन सी एक महिला को देखा, जो एक नन्हे से बच्चे को अपने सीने से चिपकाए हुए उसे अपने आंचल में लपेटने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसके कपड़े सर्दियों के लिहाज से बहुत पतले और फटे हुए थे। बच्चा लगातार रोए जा रहा था। ये देखकर मार्टिन ने महिला को आवाज लगाई और कहा, वहां बहुत ठंड है, घर के अंदर आ जाओ, यहां तुम्हें आराम मिलेगा। महिला को भूख भी लगी थी। मार्टिन ने उसे खाने के लिए दिया और बच्चे के साथ खेलने लगा। महिला ने बताया कि उसके पति सेना में थे, जो अब लापता हैं। वो गुजारे के लिए किसी के घर में काम करती थी, लेकिन वो लोग बच्चे के साथ उसे नहीं रखना चाहते, तो अब वो अपनी किसी दूर की रिश्तेदार के यहाँ जा रही है। मार्टिन ने उसे गर्म कपड़े और कुछ रुपए दिए। वो महिला मार्टिन का धन्यवाद करती हुई चली गई। मार्टिन फिर से अपने प्रभु के आने की राह देखने लगा। कुछ देर बाद मार्टिन ने देखा कि उसकी खिड़की के ठीक सामने एक बुजुर्ग माता फलों की टोकरी लेकर गुजर रही हैं। तभी अचानक से एक छोटा सा लड़का उसमें से कुछ फल चोरी करने लगा। बुजुर्ग माता ने उस लड़के को पकड़ा और शोर मचाने लगी। मार्टिन ने देखा तो उससे रहा नहीं गया। वो तुरंत अपने लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकला और उस बच्चे को छुड़ाया। उसने लड़के से कहा कि वो बुजुर्ग माता से माफी मांगे और दोबारा से चोरी ना करने की कसम खाए। उस लड़के ने वैसा ही किया और फिर मार्टिन ने उसे कुछ फल खरीद कर दिए। बूढ़ी माता बोली, आप इसे बिगाड़ रहे हैं, जबकि इसे चोरी करने के लिए सबक सिखाना चाहिए। मार्टिन ने कहा, माता, ये हमारा तरीका है, जबकि प्रभु ऐसा नहीं चाहते। हमसे भी गलतियां होती हैं। जिस तरह हम अपने लिए प्रभु से माफी चाहते हैं, इसी तरह हमें भी उसके बंदों को माफ करते रहना चाहिए, अन्यथा हमें भी ईश्वर से माफी नहीं मिलेगी। उस छोटे लड़के पर भी मार्टिन की बातों का गहरा असर पड़ा। उसने कसम खाई कि वो भविष्य में दोबारा ऐसा नहीं करेगा। जब वो दोनों चले गए तो मार्टिन घर के अंदर आ गया। तब तक दिन गुजर चुका था और अंधेरा फैलने लगा। मार्टिन सोचने लगा, सारा दिन गुजर गया लेकिन प्रभु नहीं आए। रात को जब वो लेटा तो फिर से उसी सपने के बारे में सोचने लगा। अचानक से जैसे कोई आवाज आई, मार्टिन, ओ मार्टिन, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं आया था, मुझे ठंड लग रही थी तो तुमने मुझे कॉफी पिलाई, मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाना खिलाया। प्रभु फिर बोले, मैं परदेसी था, तुमने मुझे आसरा दिया। मार्टिन को मुस्कुराता हुआ वो नन्हा बच्चा याद आया। प्रभु ने फिर कहा, तुमने मुझे खाने के लिए फल दिए, हाँ वो लड़का भी मैं ही था। मार्टिन हैरान था। वो समझ गया कि जो व्यवहार हम प्रभु के बंदों के साथ करते हैं, दरअसल वो प्रभु के साथ ही कर रहे होते हैं। सब में प्रभु ही हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। तरस की ता मुझ पे ऐ मेरे खुदाया, करुमा दे मारे नू गड़ नाल लाया। अंग सांग वसदा एरा तू भी दिखाया, कीड़े दाराज नू अंग भी सिखाया। खरे हो के मनी हर फरू
सभी में तू ही है तो फिर किसे बुरा कहिए, तुझे दिखा दे जो सब में उसे खुदा कहिए। विवेक शौक जी की ये पंक्तियाँ इशारा करती हैं कि परमात्मा सब में बसता है, पर उसे देखने की नज़र सतगुरु ही देता है, वरना तो पूरा जीवन बीत जाने के बाद भी इसका एहसास ही नहीं होता। जैसे सूफी संत रूमी ने भी कहा, हु एवर ट्रैवल्स विदाउट अ गाइड नीड्स 200 ईयर्स फॉर 2 डेज जर्नी। व्हाट अ वंडरफुल थॉट। कितने सौभाग्यशाली हैं हम कि हमारे जीवन में सतगुरु आए और हमारी मंजिल बताई। जैसे संपूर्ण अवतार वाणी की शब्द की पंक्तियां हैं, ज्ञान गुरु दा इंसानानु रवदा कर दिखलांदाए, ज्ञान गुरु दा इंसानानु मुक्ति मार्ग पांदाए। तो अंत में सद्गुरु के चरणों में यही अरदास कि हम अपने जीवन का एक एक पल इनकी शिक्षा अनुसार जी पाएं। जाते जाते अपने श्रोताओं से यही निवेदन कि अपने फीडबैक हमें voicedivine@nirankari.org पर भेजते रहें। तो दीजिए इजाजत अंकिता और कमलदीप को। नमस्कार, धन निरंकार।